तो लास्ट में हमने देखा था सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, लास्ट में हमने सॉल्ट का बेसिफिकेशन देखा था। अब मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ NaOH, आगे जाएगा इट इज कन्वर्टेड इनटू Na प्लस एंड OH माइनस। सेकंड रिएक्शन में यहाँ लिखता हूँ Na प्लस प्लस OH माइनस कन्वर्टेड इनटू NaOH, ठीक है। दो रिएक्शन, इसको बोला मैंने रिएक्शन ए एंड दिस इज रिएक्शन बी। क्या लगता है विच विल बी पॉसिबल रिएक्शन एंड व्हाई? एनर्जी के हिसाब से नॉर्मली कौन सा रिएक्शन पॉसिबल लगता है जितने कंसेप्ट हमने पढ़े अभी तक उसके हिसाब से? बी वाला। व्हाई? बी वाले को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि वो आई कंपोनेंट्स के। अच्छा, इफ दे आर आयोनिक कंपाउंड सो नो नीड टू सेपरेट इट बिकॉज़ इफ इट इज आयोनिक कंपाउंड सो दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। So no need to supply any type of energy. Ions are, so they are already present in the form of ions. Okay, sir, if हम यहाँ पे देखते हैं एसिड की बात करते हैं, ये बेस है, बेस की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड वेरी वेरी वीक बेस, तीनों में क्या फर्क होगा? कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, विच विल बी अ वीक बेस एंड विच विल बी वेरी वेरी वीक बेस, कैसे पता चलेगा? सही, ओके। फर्स्ट हमने इलेक्ट्रोलाइट को क्लासिफाई किया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नियर अबाउट 100% होता है उसको बोलते हैं, जिसका 100% से कम रहेगा वो, तो व्हाट अबाउट वेरी वेरी वीक, अप्रोक्सीमेट जीरो, नथिंग नियरली इक्वल टू 1% बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी 100%, हियर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी 1 to 100% बोल सकते हैं, और इसमें बोले कि हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी लेस देन 1%, इम्पॉसिबिलिटी, समझा? नहीं समझ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड वेरी वेरी वीक बेस। अब यहाँ पे हम NaOH की बात करते हैं, तो इफ हम ये रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा या रिएक्टेंट ज्यादा मिलेगा या हमको दोनों मिलेंगे? इस रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, रिएक्टेंट ज्यादा मिलेगा या दोनों मिलेंगे? इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? 100। इट मींस इफ यू आर यूजिंग 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH देन यू विल गेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ Na प्लस and how many moles of OH minus? Why? Because it is strong base. और strong base रहेगा उसका degree of dissociation कितना रहेगा? तो ये वाला reaction इस side में कितना जाएगा? 100%। और जब ये reaction 100% आगे के direction में जाएगा तो पीछे के direction में कितना होगा? 0%। तो at the end of the reaction
हमको किसका क्वांटिटी मैक्सिमम मिलेगा, NaOH का, Na प्लस का या OH माइनस का? किसका प्रोडक्ट का क्वांटिटी ज्यादा मिलेगा और रिएक्टर का क्वांटिटी जीरो के आसपास मिलेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हम ये रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन में 100% क्या मिलेगा प्रोडक्ट और 0% क्या मिलेगा। इन मैं इस रिएक्शन की बात करता हूँ तो ये वाला रिएक्शन कितना होगा, ये वाला रिएक्शन कितना होगा, ये वाला वही है ना, NaOH is converted into Na plus and OH minus, तो ये वाला रिएक्शन कितना होगा 100%, तो ये वाला रिएक्शन कितना होगा 0%। Why? Strong base है। Suppose मैं writing here second example, here PH3, okay, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे दूसरा एक बेस यूज करता हूँ जिसको हमने माना यहाँ पे है AOH, क्या है AOH, आफ्टर डिसोसिएशन इट इज कन्वर्टेड इनटू A प्लस एंड OH माइनस। इफ आई एम कंसीडरिंग दिस इज वेरी वेरी वीक बेस, दिस इज रिवर्सिबल बेस, इट इज वेरी वेरी वीक बेस, तो एट द एंड विच विल बी मैक्सिमम रिएक्टर के प्रोडक्ट, व्हाई, बिकॉज़ इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो रहेगा इज लेस देन 1%, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1% है इसका मतलब ये डिसोसिएट होगा ही नहीं, और डिसोसिएट होगा ही नहीं तो क्या नहीं मिलेगा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और प्रोडक्ट नहीं मिलेगा मतलब इनडायरेक्टली मानेंगे कि प्रोडक्ट नहीं के बराबर है और रिएक्टेंट कैसा है मैक्सिमम, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट डिसोसिएट हुआ या नेग्लिजिबल डिसोसिएट हुआ। मैं इसको कंप्लीट डिसोसिएशन बोलूं, इनकंप्लीट डिसोसिएशन बोलूं या जीरो डिसोसिएशन बोलूं, सही है, मैं इसको क्या बोलूं, कंप्लीट डिसोसिएशन, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, जीरो डिसोसिएशन, ओके। तीसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ BOH, B मतलब बोरॉन नहीं है, इट इज कन्वर्टेड इनटू B प्लस प्लस OH माइनस, एंड आई एम कंसीडरिंग दिस इज ओनली अ वीक बेस, तो क्या मिलेगा, ओनली रिएक्टेंट, ओनली प्रोडक्ट या दोनों मिलेंगे, क्यों, क्योंकि इसका अल्फा का वैल्यू ना ही एकदम ज्यादा है, ना ही 100% है, ना ही वो 0% के आसपास है, 1% के आसपास है, तो ये इन बिटवीन दोनों के है। इसका मतलब हमको यहाँ पे प्रोडक्ट भी मिलेगा, हमको यहाँ पे रिएक्टेंट भी मिलेगा, तो मैं क्या बोलू, ये रिएक्शन कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, जीरो डिसोसिएट हो गया या इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हुआ, जिनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है। तीन टाइप के डिसोसिएशन देखे, एक कंप्लीट डिसोसिएशन, दूसरा जीरो डिसोसिएशन और तीसरा व्हाई इट इज कॉल्ड एज जीरो डिसोसिएशन, बिकॉज उसका जीरो डिसोसिएशन नहीं के बराबर हुआ है, उसका डिसोसिएशन नेग्लिजिबल हुआ है और इसलिए हमने इसको माना, समझ रहे नहीं समझ, ओके ना, या तो ओके, इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, वेरी वेरी वीक बेस, ऐसा किसके लिए होगा, एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वेरी वेरी वीक एसिड, ओके है। हमने यहाँ पे एग्जांपल किसके लिए, बेस के, ऐसे किसके ले सकते हैं, एसिड, ओके है। अब सॉल्ट में हमको पढ़ना है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, क्या पढ़ना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, इनडायरेक्टली हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वॉटर, तो सॉल्ट में क्या करेंगे, वाटर का एडिशन करेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है, डीजेडब्ल्यूई के काम का है, ठीक है, ओके। पहला मैं यहाँ पे लेता हूँ हाइड्रोलिसिस, तीन टाइप का होता है, एक को हम बोलते हैं कटायनिक हाइड्रोलिसिस, कौन सा बोलेंगे, कटायनिक हाइड्रोलिसिस, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस का होना चाहिए कटायन, कटायन लेता हूँ मैं सी प्लस, हाइड्रोलिसिस करेंगे रिएक्शन किसके साथ करेंगे, H2O के साथ, H2O किस फॉर्म में होता है, H+ और OH-, तो
तो इस H2O को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, S प्लस और OH माइनस। तो इस C प्लस के साथ कौन जाएगा? तो ये OH माइनस यहाँ जाता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी COH प्लस H प्लस, क्या होगा H प्लस। तो इसमें हमने किसका हाइड्रोलिसिस किया? कटायन का, अनायन का। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे? कटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो इफ हम कटायनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे हमको फ्री कौन मिलेगा? इसका मतलब जितना रिएक्शन आगे जाएगा, जितना कटायन का हाइड्रोलिसिस ज्यादा करेंगे, उतना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन बढ़ेगा। तो इफ हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, और पीएच कम होगा तो पीएच कितना रहेगा? पीएच विल बी लेस देन 7, और इफ पीएच विल बी लेस देन 7 तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। किस हाइड्रोलिसिस के कटायन का आना है? सेकंड सी, हम यहाँ पे कटायन के जगह अब यहाँ पे हम लोग अनायन का हाइड्रोलिसिस करेंगे। अनायन का, तो मैं यहां पे यूज करता हूं ए माइनस, तो क्या होगा? ए माइनस प्लस एच टू। एच टू इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एच प्लस एंड ओएच माइनस। क्या होगा? दिस एच प्लस आयन गोज विद ए माइनस, देन रिएक्शन विल बी लाइक ए ओ एच, सॉरी ए एच विद OH-. जितना रिएक्शन आगे जाएगा उतना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन बढ़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन बढ़ेगा तो पीएच बढ़ेगा या कम होगा? पीएच बढ़ेगा तो कितना होगा? पीएच विल बी ग्रेटर देन 7, पीएच विल बी ग्रेटर देन 7 तो सॉल्यूशन जो रहेगा वो कैसा रहेगा? बेसिक रहेगा। सॉल्यूशन कैसा रहेगा? बेसिक। तो एक है कटायनिक हाइड्रोलिसिस, दूसरा रहेगा अनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो कटायनिक हाइड्रोलिसिस में मिलने वाला सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? एसिडिक या बेसिक? और अनायनिक में जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा रहेगा? बेसिक। तीसरी कंडीशन मिक्स्ड हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब इसको किसको यूज करेंगे? कटायन को भी यूज करेंगे, अनायन को भी यूज करेंगे। ओके, तो क्या होगा? C प्लस A माइनस प्लस H2O। ओके, H2O में कौन है? H प्लस OH माइनस। अब क्या होगा? COH प्लस AH। क्या आप डायरेक्टली बता सकते हो इसका pH कितना रहेगा? आप यहां पे बता सकते थे कितना होगा? आप डायरेक्टली बता सकते हो? आप यहाँ पे पीएच डायरेक्टली नहीं बता सकते हो, आपको ये डिसाइड करना होगा कि एसिड और बेस में से कौन स्ट्रॉन्ग है। इफ ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच विल बी 7, ये वीक बेस है और ये वीक एसिड है तो पीएच विल बी 7। इफ ये वीक बेस है और एसिड तो सोल्यूशन विल बी एसिडिक। If acid is weak and base is strong, तो solution will be basic। समझा नहीं समझा? तो hydrolysis को हमने तीन part में divide किया। कौन सा कौन सा? Cationic, anionic और basic। Cationic में क्या होगा? Cationic का hydrolysis करेंगे। Anionic में क्या करेंगे? Anionic का hydrolysis करेंगे। Mixed में क्या करेंगे? दोनों का hydrolysis करेंगे। इसमें free कौन मिलेगा? इसका मतलब सॉल्यूशन का H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये मान के चलते हैं कि सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, सॉल्यूशन विल बी बेसिक। यहाँ पे सॉल्यूशन को डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, ये डिपेंड रहेगा कि मिलने वाले प्रोडक्ट में से कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। देख सकते हैं, पर देख लो इसको बोलेंगे हम लोग मिक्स्ड हाइड्रोलिसिस, मिक्स्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मिक्स का मतलब कटायन प्लस अनायन ऐसा है। सर, वो सॉल्ट ठीक है तो चलेगा? हाँ, बोल सकते हैं सॉल्ट भी बोल सकते हैं।
क्लियर है, वो समझ में आ गया था, ये क्लियर है, दो मिनट का टाइम है। इसके ऊपर क्वेश्चन ये बनता है कि हम कटायनिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा, अनायनिक करते हैं तो ठीक है सर। और इसका मुझे हाइड्रोलिसिस करना है तो वाटर के साथ किसका रिएक्शन किया, कटायन है, और इसलिए हम इसको बोलेंगे कटायनिक हाइड्रोलिसिस। और मान लेते हैं कि ये रिएक्शन जो रहेगा वो इस प्रकार से होगा जिसमें यहां हमको मिलेगा NaOH, साथ में हमको मिलेगा H2, ठीक है। इसमें से मैं आपको बोलता हूं दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज ओके। दूसरा इसको ए बोला मैंने, इसको मैं बोलता हूँ बी रिएक्शन। यहाँ पे हम रिएक्शन करते हैं NaOH, Li प्लस का, इसका Li प्लस, इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे NaOH बनेगा, साथ में क्या करेगा H प्लस एन को रिलीज करेगा, जिसको हम बोलेंगे वीक फेज, जिसको हम बोलेंगे वीक फेज, ठीक है। तीसरा मैं यहाँ पे कटायन यूज करता हूँ NH पर TH4 PH4+, और PH4+ का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग तो यहाँ पे हमको मिलेगा PH3+H3O+, और मैं H3O+ के जगह लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ओके। और यहाँ पे ये जो ठहरा वेरी वेरी वीक, ठीक है, ये ठहरा वेरी वेरी वीक फेस, ओके।
अब इन तीनों में से एक रिएक्शन, तीनों रिएक्शन में कटायन कॉमन है, मतलब ये भी कटायनिक है, ये भी कटायनिक है, ये भी कटायनिक है। आप मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा रिएक्शन, मतलब तीनों हाइड्रोलिसिस है, इनमें से कौन सा हाइड्रोलिसिस कंप्लीट है, कौन सा हाइड्रोलिसिस इनकम्प्लीट है और कौन सा हाइड्रोलिसिस जीरो है। समझा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 30 सेकंड का समय देता हूं मैं और बिना पूछे बताना चाहिए। समझा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस एंड जीरो हाइड्रोलिसिस विद व्हाट। कितने को आंसर मिल गया? पहला वाला जीरो हाइड्रोलिसिस, ओके। दूसरा वाला इनकम्प्लीट, और तीसरा, हाँ तीसरा कम्प्लीट, पक्का ओके। सर लास्ट वाला बताओ क्यों? सर क्योंकि आपने बताया कि वेरी वेरी वीक बेस है तो उसका नेग्लिजिबल तक वो डिसोसिएट करता है, तो इस तरह को कुछ प्रोडक्ट बनाए गए तो डिसोसिएट का हाइड्रोलिसिस क्या होगा? देखो तो आप बोल रहे हो इधर नहीं आएगा, हाँ लेकिन इधर जाएगा ना, इधर नहीं के बराबर हुआ तो पूरा का पूरा रिएक्शन इधर ही हो गया ना। अब पूरा का पूरा रिएक्शन इधर हो गया तो हमको ये कितना मिलेगा? जीरो के आसपास, मतलब जितना कटाइन हमने यूज किया था उसका पूरा हाइड्रोलिसिस हो गया, सही है ना। इसमें कौन सा रिएक्शन क्योरेबल लगता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? ओनली फॉरवर्ड, ओनली बैकवर्ड या बोथ? ओनली बैकवर्ड। रीजन इज दैट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, और कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो हमको एनएओएच नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? एनएओएच। और वो क्या रिलीज करेगा? OH माइनस, और वो OH माइनस क्या करेगा? H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा? H2O। इसका मतलब यहाँ पे ओनली वन रिएक्शन पॉसिबल है, वो भी कितना? 100%। इसका मतलब जब भी आप रिएक्शन करोगे और उस रिएक्शन में जैसे ही NaOH बनेगा तो NaOH वापस किसमें कन्वर्ट होगा? इसका मतलब आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, और प्रोडक्ट मिला ही नहीं इसका मतलब कटायन का हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं, और जब कटायन का हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं तो इसको हम बोलेंगे जीरो हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे? जीरो हाइड्रोलिसिस। समझा? दूसरी बात, ये कौन है? वेरी वेरी वीक बेस, इसका मतलब ये रिएक्शन पीछे नहीं होगा, ये रिएक्शन आगे ही होगा, तो ये रिएक्शन ओनली वन डायरेक्शन में होगा, और जब कोई रिएक्शन वन डायरेक्शन में होता है तो वो अप्रोक्सीमेट कितना होगा? 100%। और जब ये 100% रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब जितना कटायन ने यूज किया था पूरा का पूरा हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या होगा? वीक है तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा और बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा, तो इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट। समझा नहीं? समझा? ओके, तीनों का मतलब समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है? तो एक होता है जीरो, दूसरा होता है इनकम्प्लीट और तीसरा होता है कम्प्लीट। एक बात और, क्या मैं इसको ये जो बना है ये कहां से मिला है? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैं इसको बोल सकता हूं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सही है? कटायन कहां से मिला? तो ये जो सॉल्ट बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से बनाएगा। हाँ, ये कहां से बना? वीक बेस। या तो हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से। कटायन कहां से मिला? यहां पे जो कटायन मिला वो कहां से मिला? वीक बेस। यहाँ पे जो कटायन मिला वो कहाँ पे मिला? वेरी वेरी वीक बेस। तो क्या मैं ये कंक्लूड करूँ
जिसमें कटायन स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने वाला है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, सही है। लेकिन जो सॉल्ट या जो कटायन हमको वेरी वेरी वीक बेस से मिलेगा उसका हाइड्रोलिसिस पूरा होगा, लेकिन जो कटायन हमको वीक बेस से मिलेगा उसका हाइड्रोलिसिस दोनों साइड में हो सकता है, नहीं समझा? तो गेस कहाँ से करेंगे हमेशा कि हमारे पास जो कटायन है वो किसका है वो देखेंगे, कटायन स्ट्रॉन्ग बेस का है नहीं होगा हाइड्रोलिसिस, कटायन वीक बेस का है हाइड्रोलिसिस होगा, कटायन वेरी वेरी वीक बेस का है हाइड्रोलिसिस होगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है होगा नहीं होगा, तो ये होगा ये नहीं होगा, किसका नहीं होगा वो ध्यान रखते पहले, किसका कटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अनायन किसका रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो जैसे कटायन में स्ट्रॉन्ग बेस के कटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा वैसे अनायन में स्ट्रॉन्ग एसिड का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, सही है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड इनके जो कटायन और अनायन होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस का कटायन और स्ट्रॉन्ग एसिड का अनायन इन दोनों का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बाकी का हाइड्रोलिसिस होगा, समझा कुछ पक्का? चलिए आगे इतना लिख लो पहले। कटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और अनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इनका हाइड्रोलिसिस कभी नहीं होगा। एक बात तो ध्यान रख सकते हो, टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा लेफ्ट टू राइट, लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और जब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा, ये है लेफ्ट टू राइट और ये है टॉप टू बॉटम। इसको एग्जाम्पल के साथ प्रूव करके दे सकता हूँ, टॉप टू बॉटम में यहाँ पे आता है HF, यहाँ पे आता है HCl, यहाँ पे आता है HBr और यहाँ पे आता है HI और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा HI और सबसे कम एसिडिक रहेगा HF और इसीलिए HF जो है वो वीक एसिड है और बचे हुए तीनों जो रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, बस कॉपी क्लोज कर सकते। अब हाइड्रोलिसिस में पहला देखते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बोलो NaCl, बेस्ट एग्जांपल। तो हम यहाँ पे NaCl को डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेगा Na+ और Cl-। जब हम यहाँ पे Na+ और Cl- इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे वो
वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो मैं रिवर्सिबल रिएक्शन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा NaOH, साथ में क्या मिलेगा HCl, सही है। अब ये कौन ठहरा स्ट्रॉन्ग बेस, और ये कौन ठहरा स्ट्रॉन्ग एसिड, और दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, मतलब ये कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो इधर जाएगा, मतलब प्रोडक्ट तो मिलेगा ही नहीं, और प्रोडक्ट मिलेगा नहीं मतलब इसका हाइड्रोलिसिस तो हुआ नहीं, सही है। तो ना Na प्लस का हाइड्रोलिसिस होगा ना Cl माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये वाला रिएक्शन पीछे कितना आएगा 100%, और आगे कितना जाएगा 0%। तो मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट पॉसिबल। ओके, दूसरा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, CH3COO- और HNO ये नेगेटिव कहां से आया होगा, एसिड से, एसिड कौन सा होगा CH3COOH पैरा वीक एसिड, Na+ कहां से मिला होगा NaOH से, वो कौन है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसको हम बोलेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। उल्टा हो गया। तो मैं इसको लिखता हूँ NH4Cl। अब इसको डिसोसिएट करेंगे क्या मिलेगा NH4+Cl-। Cl- कहाँ से मिला होगा HCl से, और NH4 कहाँ से मिला होगा NH3 से, NH3 ठहरा वीक बेस और ये ठहरा स्ट्रॉन्ग एसिड, सही है। अब ये ठहरा स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अनायन कहाँ से मिला है स्ट्रॉन्ग एसिड से, और लिखा था स्ट्रॉन्ग एसिड से मिला अनायन और स्ट्रॉन्ग बेस से मिला हुआ कटायन कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे ना ही Na+ का हाइड्रोलिसिस हुआ था ना ही Cl-। क्या NH4+ का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, यस ये हो सकता है, सही है। तो एक मुझे इसका हाइड्रोलिसिस करने के लिए बोला है, तो इनमें से मेरे नाम का कौन नहीं है, कौन है मतलब मैं हाइड्रोलिसिस किसका करूंगा, कटायन का अनायन का, मतलब ये किस टाइप का हाइड्रोलिसिस हो गया कटायन, सही है ना। हाँ, तो मैं कटायन को यूज करूंगा अनायन को यूज नहीं करूंगा, किसी ने पूछा क्यों नहीं किया, तो बोले कि इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। ओके, तो मैं रिएक्शन लिखता हूँ NH4+ का रिएक्शन करेंगे H2O के साथ, तो आगे रिएक्शन जब जाएगा तो ये हमको मिलेगा NH3, साथ में मिलेगा H3O+, और H3O+ को ही मैं बोलता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ओके सही है। आज तक मतलब अभी तक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख रहे थे, तो ये फाइंड करते थे कि उसका डिसोसिएशन कितना हुआ, अब हमको ये नहीं देखना है डिसोसिएशन कितना हुआ, अब ये देखना है हाइड्रोलिसिस कितना हुआ, क्यों, क्योंकि हम रिएक्शन किसके साथ कर रहे थे, तो हमको ये देखना है कि उसका हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा 0%, और इसलिए हमने लिखा है हाइड्रोलिसिस तो होगा ही नहीं, यहाँ पे हमको लग रहा है कि होगा, अब लग रहा है होगा तो कितना होगा ये भी देखना होगा, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और एच को बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, अभी तक क्या फाइंड करते थे अल्फा, अब क्या फाइंड करेंगे एच, और एच स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इनमें से कौन सॉल्वेंट है H2O, और मैं लास्ट टाइम आपको बोला था सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं के बराबर होता है, और इसीलिए हम सॉल्वेंट को कंसीडर नहीं करते, सही है। अब मैं बोलता हूं इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C, इसका क्यों सॉल्वेंट है ना, इसका जीरो, इसका जीरो, ओके, उसके बाद
एट इक्विलिब्रियम इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा सी माइनस सी एच। एच क्यों आया? क्योंकि हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फाइंड कर रहे हैं। तो ये कितना रहेगा बिना काम का? ये कितना रहेगा सी एच, और ये कितना रहेगा सी एच। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। समझा नहीं समझा? अब एच को क्या बोला है? अब मुझे यहाँ पे k वाला इक्वेशन यूज करना है, k equals to concentration of product और concentration of reactor। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ kH, hydrolysis constant। क्यों? क्योंकि hydrolysis का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? concentration of product और concentration of reactor। concentration of product कौन है? concentration of ammonia into concentration of H plus अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+। हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 कितना है? CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH। हो गया? आगे क्या बनेगा? C²H² अपॉन C इन ब्रैकेट 1 माइनस H। हो गया? फिर आगे क्या मिलेगा? kH equals to CH²। क्या मिलेगा? CH²। kH hydrolysis constant, C is the initial concentration of cation and H² is the degree of hydrolysis, square of degree of hydrolysis। अब यहाँ का पेपर देख लो, देखने के बोले लिखने के लिए, और इनमें से कोई टर्म नहीं समझाए तो पूछो। देखो पहले हमने कौन सा सॉल्ट लिया था? स्ट्रॉन्गेस्ट। अब किसको लिया? इसके बाद क्या आएगा? वीक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट। और उसके बाद क्या आएगा? वीक एसिड और वीक बेस। रही बात डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन में एक ही समझा के दूंगा। क्यों? बोर्ड में तो है नहीं। रही बात JEE की, JEE में डेरिवेशन का काम नहीं है। डेरिवेशन में तीन फॉर्मूलेज का काम है। पहला फॉर्मूला kH का, दूसरा फॉर्मूला H का, तीसरा फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का, और चौथा फॉर्मूला pH का। तो इस डेरिवेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं। मतलब इनकेस कल जाके किसी ने पूछा कि आपने जो फॉर्मूला लिखा है ये आया कहाँ से, तो ये पता होना चाहिए। नहीं पढ़ेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको वैसे भी फॉर्मूले ही यूज करने हैं, ठीक है? लेकिन सोचा कि चलो एक का फॉर्मूला बता दूँ कि डिराइव कैसे करते हैं। यहां तक देख लो। ओके, सब कुछ क्लियर है? अब एक बार ध्यान रखना है, जब भी हम कोई वीक एसिड लेते हैं हाइड्रोलिसिस का, वीक एसिड का, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है kW equals to kA into kH। kW हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ, सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, kA डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और kH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। जब ये बात आती है वीक बेस के लिए, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं kW equals to kB into kH। जब बात आती है वीक एसिड और वीक बेस की, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा kW equals to kA into kB into kH। इसका डेरिवेशन आपको नहीं है पर मैं बताऊंगा, ठीक है? बस उसको याद रखना, ठीक है? अब यहाँ पे हम कहाँ पे एड किया था? kH equals to C into H²। अब मुझे निकालना है H², क्या होगा? kH upon C। अब मुझे निकालना है H, क्या होगा? रूट ऑफ kH upon C। हो गया? ये फॉर्मूला बन गया H का। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आपको ढूंढना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए kH का, और कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। हो गया? अब मुझे निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। क्यों? क्योंकि लास्ट में मुझे pH का फॉर्मूला ढूंढना है।
इसका पीएच, और पीएच ढूंढना है तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन पता होना चाहिए, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन कितना है सी एच। तो पहले मैं सी एच का वैल्यू पूछता हूँ, इसका वैल्यू सी एच का, सी एच के पहले मैं इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ, वापस मैं यही पे आता हूँ, मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन ढूंढना है, तो मुझे क्या ढूंढना है सी एच, ये वाला फॉर्मूला एच स्क्वायर इक्वल्स टू के एच अपॉन सी। मुझे लेफ्ट साइड में कुछ भी करके सी और एच को साथ लेके आना है, तो मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सी स्क्वायर, ऐसा आपने इसके पहले भी किया था, तो क्या बनेगा सी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू के एच इनटू सी। ओके ठीक है, इसको मैं यहां लिखता हूं सी एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा के एच इनटू सी, सही है। अब केस का वैल्यू क्या है के डब्ल्यू अपॉन के वी, तो ये लिखता हूं मैं ऑन सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के वी, चलेगा नहीं चलेगा सही है। अब मुझे लिखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के वी, सही किया गलत किया ना, सही हो गया ना। उसके बाद मैं इसको लिखता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इक्वल्स टू इन ब्रैकेट के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के वी का पावर है 1/2, सही है गलत है ठीक है ना यहां तक ओके। अब दोनों साइड में लॉग लगाता हूं मैं, दोनों साइड में लॉग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन का फॉर्मूला तो ये बच गया, एक काम हो गया। अब मैं लॉग क्यों निकालता हूं, क्योंकि मुझे पीएच निकालना है, पीएच का फॉर्मूला है पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, तो मुझे इस एच प्लस को लॉग ऑफ एच प्लस में कन्वर्ट करना है, और इसलिए मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में लॉग से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय लॉग, क्या बनेगा लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इक्वल्स टू लॉग के डब्ल्यू बाय टू, सही, प्लस लॉग सी बाय टू माइनस log के वी बाय टू, इज इट पक्का ओके। अब पी एच इक्वल्स टू माइनस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, बट इसमें क्या है log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, इससे मैं क्या लिख सकता हूं माइनस पी एच ओके। PKW equals to minus log of KW, ये कौन है log of KW, तो इसकी जगह क्या आएगा minus PKW, सही है। फिर हमने देखा था PKA, ये बन गया था minus log of KA, फिर आया था PKB, ये बना था minus log of KB,
सही है, उन्हीं को यहाँ पे यूज करता हूँ, तो मैं इससे क्या कर लेता हूँ माइनस पी एच, पक्का ना, माइनस पी एच इक्वल्स माइनस के डब्ल्यू बाई टू, माइनस पी के डब्ल्यू बाई टू, ये एसिडिस रहेगा सी के लिए, सी प्लस लॉग सी बाय टू, इसमें प्लस प्लस पी के बी बाय टू, हो गया। बट यहां पे हमको माइनस पीएच मिला है, हमको माइनस पीएच नहीं चाहिए, प्लस चाहिए, तो सबके साइन इनवर्स उल्टे कर देते हैं, तो क्या बनेगा पी एच इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू बाय टू माइनस लॉग ऑफ सी बाय टू माइनस पी के बी बाय टू। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पी एच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तीन बातें जो जरूरी है, पहला हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, दूसरा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और तीसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, और चौथा पीएच। ठीक है, अब पूछोगे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, वो आपको पी के डब्ल्यू का वैल्यू देंगे, सी का वैल्यू देंगे, और के बी का वैल्यू देंगे, तो पी के बी का वैल्यू देंगे, और आपको बोलेंगे आप ऐसे सॉल्यूशन का पीएच फाइंड करोगे जो सॉल्यूशन बना हुआ है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। समझा नहीं समझा, एक बार देख लो, ये सी को इधर लेके जाओगे नहीं सर, वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर से निकालेंगे नहीं, यहाँ पर सी स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास है। हाँ वो समझ में आ रहा है, उसे भी कर सकते हैं सर, इसको एच के फॉर्म में नहीं कर सकते, इसको एच के कर सकते हैं, लेकिन हमने सी एच के फॉर्म में इसलिए लेके गए क्योंकि हमको कौन पी एच निकालना है, तो पी एच के लिए हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन होना चाहिए, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन कितना है, तो इसलिए जब हम सी एच में इसलिए कन्वर्ट किए क्योंकि हम सी एच की जगह लिख सकते हैं इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, उसको हम लोग पी एच में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूले नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, बाकी तीनों पेयर का हाइड्रोलिसिस होगा, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक के फॉर्मूले यहाँ पे, मैं सबके फॉर्मूले लिख के दे दूंगा आपको, वो आपको याद रखें। ठीक है, बैठो, Thank you.
पीकेडब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है? पीकेडब्ल्यू सेवन। आप इसके जगह सेवन लिख सकते हैं। KW इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 14, तो KW PKW विल बी 14, तो ये 14 का 2 है, तो क्या रहेगा 7, तो आइदर आप यहाँ पे 7 लिखो या तो PKW बाय 2 लिखो, दोनों सेम ही। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दूसरे फॉर्म में, PX इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस log of P upon 2 माइनस H is a degree of hydrolysis, KH is a hydrolysis constant. ठीक है, तो तीनों के लिए फॉर्मूले है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस।
H का फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का फॉर्मूला और पी एच का फॉर्मूला।